Welcome to my Sakhi webinar on public awareness focused on menopause to promote better management of women's health. We focus on irregular bleeding, often encountered during the menopause transition by many women. आज हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो है इररेगुलर ब्लीडिंग, जो कि बहुत सारी विमेन एनकाउंटर करती हैं जिस वक्त वो मेनोपॉज के ट्रांजिशन में होती हैं, जबकि अभी मेनोपॉज नहीं आया बट उसके पहले एक दो साल पहले शुरू हो जाता है ट्रांजिशन, उस वक्त इररेगुलर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है. दिस वेबिनार फॉर्म्स पार्ट ऑफ जैक्सन पॉल्स ऑनगोइंग सीएसआर इनिशिएटिव्स लाइक वी हैव हैड इन अर्लियर webinars. We make an exciting announcement. Please participate in this poll, which will be there at the end of the session, and get a chance to win a prize. The prize today is a portable heating pad, which comes with a massager. It is basically for period cramps. So three lucky participants will be announced by our expert who will be getting this portable heating pad as a prize for lucky winners. We welcome and thank our expert, Dr. Mitra Saxena, ma'am. She's present with us today. She will be telling us about all that we need to know about irregular periods as menopause approaches. आज के हमारे expert हैं Dr. Mitra Saxena, Rewari से. ये sessions हमारे 30 minutes के लिए होते हैं और एक्सपर्ट्स इनको हिंदी और इंग्लिश की मिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि सबको समझ आए. वी गेट अ चांस टू आस्क क्वेश्चंस आल्सो डायरेक्टली बाय इंटरैक्टिंग विद दिस एक्सपर्ट. डॉक्टर मित्रा सक्सेना इज फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा. शी इज अ वेल नोन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी स्पेशलाइजेज इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, अल्ट्रासाउंड, endoscopy and colposcopy gynae surgeries. Dr. Mitra Saxena is the director Shri Ashwini Saxena Hospital at Rewari, and she holds various prestigious positions at various doctor forums. To bahut jagah madam as a speaker jati hain, for discussions jati hain jahan par inke saath mein aur bhi doctors hote hain conferences mein. We welcome Dr. Mitra ma'am and over to you to begin the session ma'am. A very good evening to all those who have logged in for this talk session today. Thank you very much, Jackson Pal Company, the scientific head, Dr. Deepika Chabra, Bhavika ji and Amit ji, for providing this wonderful platform where we can allay some anxiety of the women and give some good information. So the topic that has been given to me is menopause transition and bleeding. So, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेनोपॉज क्या होता है. तो मेनोपॉज यानी कि पॉज, पॉज मतलब रुकना. तो हमें समझ में आना चाहिए कि जब भी एक स्त्री या बच्ची पहले बड़ी होती है और एडोलेसेंट, फिर फुल ग्रोन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती है और फिर धीरे धीरे जैसे उम्र ढलती है तो पीरियड्स आने बंद होने शुरू होते हैं और उस टाइम को मेनोपॉज कहा जाता है. और इस समय ओवरीज का जो फंक्शन है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाता है और हर महीने अंडे बनाने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और हर महीने आने वाली महावारी भी खत्म होगी. तो जो ये फेज है 15 साल से लेके 45 साल तक का, इस दौरान लेडीज को पीरियड्स आते हैं, अंडा बनता है, वो फर्टाइल होती हैं कि वो बच्चा पैदा कर सके और 45 साल के बाद जब उम्र ढलने लगती है तो मेनोपॉज शुरू हो जाता है. मेनोपॉज की डेफिनेशन ये है कि इसके लिए एटलीस्ट 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आने चाहिए 45 साल की उम्र के बाद, तब हम उसको मेनोपॉज कहते हैं. कई बार दो दो तीन तीन महीने के लिए रुक जाता है पर उसको मेनोपॉज नहीं कहते. हमें फिर भी टेस्ट वगैरह करके पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये मेनोपॉज है कि नहीं है. तो पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, यानी कि एकदम से एक दिन साइकिल्स बंद हो गए, ये अमूमन नहीं होता. एक फेज आता है जिसमें धीरे धीरे पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग सब कम होती चली जाती है, उसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं. मेनोपॉज का मतलब
कि अब आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं और नहीं आएंगे। पोस्ट मेनोपॉज यानी कि अब बिल्कुल भी नहीं आएंगे और अब एक स्त्री जो है वो ओल्ड एज की तरफ चल पड़ी है। एंड नॉर्मली जो एज ऑफ मेनोपॉज है उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। तो कभी अगर किसी को पीरियड्स 45 साल की उम्र में आने कम हो जाते हैं तो लेडी सोचती है कि मुझे मेनोपॉज हो गया, पर ऐसा नहीं है। एवरेज एज मेनोपॉज की 51 इयर्स के करीब है, बट हाँ 42-45 साल के बाद से ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और स्लोली स्लोली ट्रांजिशन यानी स्लो चेंज में ये खत्म होने लगते हैं। Now, मैं चाहूंगी कि मेनोपॉज समझने से पहले आप सब समझें कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस आते क्यों हैं। तो अगर आप देख, आई डोंट हैव अ पॉइंटर, बट यूट्रस योनि का मुंह यानी कि सर्विक्स, धरण का मुंह यानी कि सर्विक्स गर्भाशय योनि और दोनों तरफ ट्यूबें और उनके साथ ओवरी, तो हर महीने ओवरी जो है वो एक अंडा बनाती है और हॉर्मोन्स बनाती है। ये प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो ये एडोलेसेंस में होती है यानी कि 13-14 साल की उम्र से सभी लड़कियों की ओवरीज काम करना शुरू करती हैं शुरुआत के दिनों में और आखिर, गो बैक टू द लास्ट स्लाइड प्लीज, ऑन टुवर्ड्स स्टॉप यानी कि जब ओवेरियन फंक्शन स्टार्ट होता है और जब ओवेरियन फंक्शन खत्म होता है यानी कि 14-15 साल की उम्र में और 45 उम्र के साल के आसपास, इन दोनों टाइम में ओवरी का फंक्शन फुल नहीं होता। इसीलिए हर साइकिल में जरूरी नहीं है कि अंडा बने और इसीलिए इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स यानी कि पीरियड्स इरेगुलर होना, कम आना, ज्यादा आना, जल्दी आना, देर से आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओवरी जब अंडे बनाती है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो हर माह, व्हाट इज आइडियल इज कि हर महीने एक फंक्शनिंग ओवरी एक अच्छा सा अंडा बनाती है और अंडा बनाने के साथ साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनते हैं। हमने बहुत सुना होगा आप सबने कि एक ईस्ट्रोजन होता है जो कि हमारे सारे फीमेल चेंजेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ईस्ट्रोजन वो है जिनसे स्तन बढ़ेंगे, जिससे कि स्किन बड़ी अच्छी ग्लोइंग होती है। और ईस्ट्रोजन जो है फर्स्ट फेज में होता है और जब अंडा बन जाता है तो जो नेक्स्ट हार्मोन है वो प्रोजेस्ट्रॉन है जो कि प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है यानी कि सबसे नीचे जो फोटो है जिसमें कि अंदर की झिल्ली दिखाई गई है जो कि मोटी होती जाती है जब अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो यहाँ आकर के वो इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। तो ये साइक्लिकल चेंज हर महीने जिस लेडी की पीरियड्स नॉर्मल होते हैं वहां पर साइक्लिकली होता है। पर अगर अंडा जल्दी बन जाए, देर से बने, तो यही सारा का सारा साइकिल इरेगुलर हो जाता है और ये सबसे ज्यादा फंक्शन अर्ली पीरियड में और लेट में यानी कि एडोलेसेंस में और पेरीमेनोपॉज में यही होता है। अब जब भी हम कोई भी स्त्री बोलती है कि मुझे पीरियड इरेगुलर आ रहा है तो उसके क्या मायने होते हैं, हर स्त्री के लिए अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, टाइमिंग ऑफ ब्लीडिंग ये सब कुछ सेम नहीं है। किसी को थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती है वो उसको भी गिनता रहता है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है कई बार उसको इग्नोर करते हैं, कई बार एक एक दो दो तीन तीन महीने पीरियड्स नहीं आते और ज्यादा दिन के लिए आते हैं या कम दिनों के लिए आते हैं। कुल मिला के इन सारी इरेगुलरिटीज को हमने एक हेडिंग दी है जिसको हम बोलते हैं AUB या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। कम हो या ज्यादा हो, कम अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कम दिनों के लिए हो या ज्यादा दिनों के लिए हो, चढ़ चढ़ के आए या जल्दी जल्दी आए, 21 दिन से जल्दी आए या 35 दिन के बाद आए या सिर्फ स्पॉटिंग हो, ये सभी कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी मानी जाती है। और जब आप 40-45 साल की उम्र के दायरे में हो तो आपको हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अब हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि AUB यानी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के कारण क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे मैंने बताया कि ओवेरियन फंक्शन क्योंकि फेलिंग है
तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, यानी कि जो नियमित मात्रा होती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की और उसकी साइक्लिसिटी होती है वो नहीं होती, जिसकी की वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है और ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है। आप लोगों ने कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराया हो या किसी रिलेटिव ने, तो सुना होगा कि आपके बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली मोटी हो गई है, यानी कि पॉलिप हो गया है। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप भी एक कारण है जिसमें कि अंदर की झिल्ली यूट्रस की बहुत मोटी हो जाती है और उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। एक बहुत ही कॉमन सा बिना जड़ों की रसौली होती है यूट्रस की, जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, और जरूर आपके किसी ना किसी जानकार के कभी ना कभी फाइब्रॉइड हुआ होगा। फाइब्रॉइड जो है वो बिना जड़ों की रसौली है, और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड भी कभी कभी कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करते, और हमारे पास लेडीज आती हैं जिनके बड़े बड़े फाइब्रॉइड होते हैं और सिम्टम्स नहीं होते, यानी जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड में हैवी ब्लीडिंग हो। फिर एडिनोमायसिस, जिसमें कि यूट्रस की जो मांसपेशी है वो मोटी हो जाती है और अंदर की झिल्ली मोटी हो जाना, और कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनका कि अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं, या जिनकी की कमी हो, फॉर एग्जांपल अगर थायराइड की कमी होगी तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। तो एयूपी में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है, हैवी ब्लीडिंग होना। जब हैवी ब्लीडिंग होगी और ज्यादा टाइम के लिए होगी, फॉर मोर देन 7 डेज, ज्यादा क्लॉट्स आएंगे तो खून की कमी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर स्पॉटिंग है, कम ब्लीडिंग है और अमाउंट कम है तो उससे खून की कमी नहीं होगी। तो कई बार हम स्कैंटी पीरियड्स के लिए मरीज को रियश्योर कर देते हैं, और कोई ट्रीटमेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग, जरूरी नहीं है कि हम स्कैंटी पीरियड्स के लिए पेरिमेनोपॉज में कुछ करें, पर हैवी ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने से खून की कमी हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी भी पेशेंट को अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले किसी भी लेडी को अगर तकलीफ हो तो आमतौर पे सभी जने या रिश्तेदार कहेंगे जाओ एक अल्ट्रासाउंड करा लो, परंतु मेरी राय ये है कि कभी भी कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपकी डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेगी। हिस्ट्री लेके बहुत सारी तकलीफें रूल आउट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को थायराइड की तकलीफ थी, उसने वो गोली बंद कर दी थी और उसके बाद उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गई, तो डॉक्टर जब पूछेंगे कि अच्छा तुम्हें थायराइड था और तुम नहीं ले रहे हो, तो काफी सामने से पता चल जाता है कि ये लापरवाही थायराइड की गोली ना लेने की वजह से हुई। या अगर कोई लेडी गर्भनिरोधक गोली खा रही थी और वो बीच बीच में भूल रही थी, छोड़ रही थी, उसकी वजह से भी इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि पहला स्टेप है हिस्ट्री, यानी कि आपको क्या तकलीफ है ये डिटेल में आप बताइए। बेहतर होगा कि अगर आप अपनी 1-2 महीने की पीरियड्स की हिस्ट्री लिख के ले जाए कि इस महीने इस तारीख को हुए थे, इतने दिन ब्लीडिंग हुई, इतने पैड बदले, अब ऐसा हुआ, क्योंकि ये बातें डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री के बाद डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन में आपको खून की कमी तो नहीं है, आपके पेट को जांच करता है कि कोई रसौली गांठ तो नहीं महसूस हो रही, और अंदरूनी चेकअप करते हैं, औजार से स्पेकुलम एग्जामिनेशन यानी सर्विक्स को देखते हैं, और उंगलियों से पीवी एग्जामिनेशन यानी यूट्रस की साइज देखते हैं। इसके बाद ही ब्लड टेस्ट कराया जाता है, यानी देखने के लिए कि कोई खून की कमी तो नहीं हो गई है और हार्मोन लेवल्स और थायराइड लेवल्स गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड आता है, जिसमें कि हम अल्ट्रासाउंड करके पता लगाते हैं कि एक्चुअल कारण क्या है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि खाली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही हार्मोनल डिसफंक्शन तो वैसे ही पता चल जाता है, इवन अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती,
फिर भी अमूमन मरीज पहले अल्ट्रासाउंड कराता है फिर डॉक्टर के पास जाता है। अल्ट्रासाउंड के बाद जब अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं और अगर उसमें कोई फाइब्रॉइड दिख गया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दिख गया या पॉलिप दिख गया, कोई भी प्रॉब्लम दिख गई, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कॉपर्टी है, आईसीडी है जो भूल गए हैं, याद ही नहीं है 10 साल से, और अल्ट्रासाउंड से पता चला कि ये एक फॉरेन बॉडी यूट्रस के अंदर है और ये कारण है हमारी इरेगुलर ब्लीडिंग का। और अगला स्टेप है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, यानी कि अंदर से झिल्ली का टुकड़ा जांच। तो रिप्रोडक्टिव एज में ये बायोप्सी की जरूरत नहीं है, परंतु पेरीमेनोपॉज में, यानी कि जब ट्रांजिशनल फेज है, जब फिनिश होने वाले पीरियड है, यानी कि 45 साल के बाद, तब अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो तो हिस्ट्रोस्कोपी और बायोप्सी, हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि अंदर की झिल्ली की जांच दूरबीन से और टुकड़ा जांच बाय बायोप्सी, ये सब सीक्वेंस में करना चाहिए ताकि कहीं भी कोई डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम मिस ना हो। अब एक बार जब कारण पता चल जाता है तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्मोनल इरेगुलरिटी, लेस फंक्शनिंग ओवरीज की वजह से इरेगुलर ब्लीडिंग है, तो उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, वो देने से साइकिल रेगुलर हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हार्मोनल ट्रीटमेंट मरीज को रोजाना लेना पड़ता है, इसलिए कंप्लायंस पुअर है, यानी कि हो सकता है पेशेंट ने ट्यूबेक्टमी करा रखी हो और वो गर्भ निरोधक पिल खाने के लिए तैयार ना हो कि डॉक्टर साहब मैंने तो बंद करा रखा है तो मुझे पिल क्यों खानी है। पर आपको समझना चाहिए कि यहाँ बर्थ कंट्रोल पिल्स इसलिए नहीं दी जा रही कि आपको गर्भ निरोध चाहिए, इसलिए दी जा रही है कि आपका यूट्रस वैसे ठीक है, कोई रसौली नहीं है, कोई गांठ नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, पर हार्मोन डिसफंक्शन है जो कि ये गोली इसको कंट्रोल कर लेंगी। दूसरा ग्रुप है नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स, एनएसएड्स, मेफेनेमिक एसिड वगैरह, जिनसे ब्लीडिंग कम हो जाती है, और ट्रैनिक्सामिक एसिड, आपने इस दवाई का नाम सुना होगा, बड़े कॉम्बिनेशंस में मिलती हैं और अमूमन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज अगर हैवी ब्लीडिंग है, पेन है, तो लेडीज पहले से ही लेती हैं तो ये ब्लीडिंग को कम कर देता है। क्योंकि उम्र 40 और 45 के आसपास है, इसलिए सर्जिकल ऑप्शंस, जैसा कि मैंने बताया, एंडोमेट्रियल बायोप्सी डायग्नोसिस के लिए, और कभी कभी अंदर की झिल्ली को साफ कर दिया जाता है, उसमें सैंपल भी मिल जाता है जांच के लिए और ब्लीडिंग भी रुक जाती है, इसको हम डीएनसी कहते हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन यानी कि अंदर की झिल्ली को जला देना, परंतु डायरेक्टली एब्लेशन कभी नहीं की जाती क्योंकि अंदर की झिल्ली की जांच माइक्रोस्कोप के नीचे करना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि अंदर की झिल्ली जो मोटी हो गई है उसमें कोई कैंसर के सेल तो नहीं। इसलिए कोई भी स्टेप बिना किए जंप नहीं करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है हिस्टेरेक्टमी, यानी कि यूट्रस निकालने का। मुझे आप लोगों को बताने में बहुत खुशी है कि पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप में एबनॉर्मल यूट्रल ब्लीडिंग को, यानी कि यूट्रस की साइज तो नॉर्मल है, सिर्फ हार्मोनल डिसफंक्शन है, तो यूट्रस निकालने की जल्दी ना करके मिरीना का ऑप्शन है। मिरीना में जैसे कॉपर टी होता था उसमें कॉपर है, मिरीना में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टी के अंदर लगी होती है, ये 5 साल के लिए काम करती है और पीरियड्स बहुत कम हो जाते हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं होती। तो मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जिन पेशेंट्स को एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है उनके लिए मिरीना इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यूट्रस सेफ भी हो जाता है, मेलिग्नेंसी यानी कैंसर भी नहीं होता, और अगर उस टाइम पे कोई प्रेगनेंसी हो जाए, यानी बधाई हो वाला सीन नहीं हो पाता है क्योंकि वो गर्भ निरोध भी है। बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड कैटेगरी है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि टुवर्ड्स मेनोपॉज हार्मोनल फंक्शंस कम होते हैं, मेंटली भी विमेन थोड़ा डिप्रेशन में होती हैं, तो वेट गेन बढ़ जाता है, और इसलिए इस टाइम पे एक अच्छी संतुलित डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज एंड वेट मैनेजमेंट, हेल्दी वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें आने वाले सालों के लिए तैयारी करनी है। हमारी एनर्जीज कम होंगी और उसको हमें फिटनेस से पूरा करके चलना है। अब अगर ब्लीडिंग फिर भी हो रही है, अगर मेनोपॉज हो जाता है, जैसे कि ट्रांजिशन हुआ, पहले कम हुआ, धीरे धीरे बंद हो गया, एक बार बंद होने के बाद 6 महीने तक ब्लीडिंग नहीं हुई, 12 महीने तक ब्लीडिंग नहीं हुई, और आपने और आपके डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेनोपॉज है, पहली चीज तो ये है कि हम कंफर्म कैसे करते हैं कि मेनोपॉज है। पहली चीज कि मेनोपॉज मतलब एटलीस्ट 12 मंथ्स तक पीरियड्स ना आए। दूसरी चीज, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेगा। FSH वो हार्मोन लेवल है जो कि मेनोपॉज में बहुत बढ़ जाता है, यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि अब ओवरीज कोई हार्मोन नहीं बना रही और पिट्यूटरी के हार्मोन में फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, तो हाई लेवल ऑफ FSH का मतलब है मेनोपॉज है, यानी कि अब आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। फिर भी कभी कभी मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो जाती है, क्या इसको हमें इग्नोर करना है या इसको इम्पोर्टेंस देना है? तो प्लीज रिमेम्बर, मेनोपॉज के बाद अगर कभी ब्लीडिंग हो तो उसको कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मेनोपॉज का मतलब है पीरियड हैव स्टॉप, और अगर अभी भी ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आकर के डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस करे, अल्ट्रासाउंड करे, बायोप्सी करे और अदर रीजंस फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को रूल आउट करें। नाउ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैंसर्स, सर्विक्स का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, और ये जो कैंसर है यही एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा हो सकती है। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी बिकॉज ऑफ एट्रोफी, यानी क्योंकि हार्मोन इतने कम हो गए कि अंदर की झिल्लियां इतनी पतली हैं, कमजोर हैं कि वो फट जाती हैं और हल्की सी स्पॉटिंग हो जाती है, इसलिए मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग हो इट कैनॉट बी इग्नोर्ड एंड यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट, नाउ एज आई सेड वेजाइनल एट्रोफी, यानी कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हॉर्मोन्स अंदर की झिल्ली इतनी थिन है कि अंदर बिल्कुल जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, और जैसे पतली स्किन फट जाती है ना ड्राइनेस की वजह से, इचिंग है, पेन है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, सेनाइल वेजिनाइटिस सर्विसाइटिस। दूसरी चीज, जैसा कि रिप्रोडक्टिव एज में भी पेरीमेनोपॉज में भी पॉलिप्स थे, तो ये एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हो सकता है, जड़ों के ना हो पर नॉन कैंसरस हो, बट दे कैन बी अ कॉज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यानी कि अंदर की झिल्ली बहुत मोटी हो जाना, और एक मोटी झिल्ली जो है वो प्री कैंसरस कंडीशन भी हो सकती है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हो सकता है कि ब्लीडिंग का सोर्स यूट्रस हो ही ना, सर्विक्स हो, और सर्विक्स में एक कोई कैंसरस गांठ हो, तो इसलिए मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना। आपको मालूम है कि 90% ऑफ वुमेन डायग्नोज विद यूट्राइन कैंसर एक्चुअली यू नो गिव इट अप, दे रिवील देयर डायग्नोसिस बिकॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर जरा सी पहली एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग हुआ और आप डॉक्टर के पास आ गए तो यूट्राइन कैंसर, यूट्रस का कैंसर बहुत जल्दी पता चल जाता है, और ये कंप्लीटली ठीक हो सकता है और इसमें लाइफ आराम से बच सकती है। जो भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सिंपल है। अगर ईस्ट्रोजन की कमी है तो उसके लिए टॉपिकल यानी कि ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है ईस्ट्रोजन के, या फिर अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट देना है तो वो भी दिए जा सकते हैं। पॉलिप्स अगर होते हैं, यानी कि अंदर की झिल्ली मोटी हो गई है, एक छोटा सा पॉलिप हो गया है, तो उसको हिस्ट्रोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन डाल के देख करके और निकाला जा सकता है, और फिर उसकी माइक्रोस्कोप की जांच होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी टुकड़ा आपकी बॉडी से निकले, चाहे वो बायोप्सी हो चाहे पॉलिप हो,
उसकी हिस्टोपैथोलॉजी अति आवश्यक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स सेल्युलर स्टेज में माइक्रोस्कोप में ही पकड़े जाते हैं। अगर अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि मिरीरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर अंदर की झिल्ली मोटी हो गई है, बट अंदर की झिल्ली मोटी है पर नियमित है, संतुलित है, यानी एबनॉर्मल एप्लास्टिक नहीं है, तो भी मिरीरा यूज किया जा सकता है। हाँ, अगर अंदर की झिल्ली थोड़ी एबनॉर्मल है, एप्लास्टिक है, यानी कि प्री कैंसरस है, तो फिर हमको एडिशनल ट्रीटमेंट हिस्टेरेक्टमी और कीमोथेरेपी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में ब्लीडिंग सिर्फ वजाइना से नहीं, रेक्टम से भी आ सकती है, यानी कि पीछे पॉटी के रास्ते से भी आ सकती है, सर्विक से भी आ सकती है। अगर किसी को फेलोपियन ट्यूब कैंसर है या ओवेरियन कैंसर जो कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग है, तो भी आ सकती है। इसलिए एबनॉर्मल ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी मेनोपॉज की एज क्या है, तो बहुत इजी क्लू है, आपकी मदर की जो एज मेनोपॉज की है, अनलेस कि उनकी हिस्टेरेक्टमी हो गई है या आपको हिस्टेरेक्टमी की जरूरत है, तो मेनोपॉज जो एक लड़की होती है वो अपनी मदर की लाइफ साइकिल को फॉलो करती है, और अमूमन 50-51 इयर्स ऑफ एज है मेनोपॉज की, फिर भी चेंजेस जो है वो 45 इयर्स के बाद आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन की कमी से इरेगुलर ब्लीडिंग, हॉट फ्लशेस यानी एकदम से गर्म सर्द लगना, टैकीकार्डिया होना और मूड चेंजेस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस। दूसरी क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि अगर कभी भी ब्लीडिंग हो रही है तो कौन सी ब्लीडिंग ऐसी है जिसको कि इग्नोर नहीं करना। एक बार को आपको स्कैंटी पीरियड्स आ रहे हैं, चढ़ चढ़ के आ रहे हैं और आपका वेट गेन नहीं है, तो पेरीमेनोपॉजल एज में आप उसको समझ सकते हैं कि ये आपका नॉर्मल चेंज है। बट अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी जल्दी आ रही है, बहुत ज्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है, क्योंकि हो सकता है सिर्फ हॉर्मोनल इम्बैलेंस ही हो और दवाइयों से, मिरीना से, डीएनसी से ठीक हो जाए, परंतु एक्सेसिव ब्लीडिंग से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि खून की कमी होना, जल्दी थकना, मूड चेंजेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, भूख प्यास कम लगना, तो लिथार्जी, फैटीग, तो अनीमिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसलिए अगर कभी भी बहुत ब्लीडिंग हो, इग्नोर नहीं करना। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, यानी कि अगर संभोग के बाद ब्लीडिंग होती है, तो चाहे किसी भी एज में हो, चाहे वो यंग हो, चाहे पेरीमेनोपॉजल हो, चाहे पोस्ट मेनोपॉजल हो, संभोग के बाद ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमको जरूर डॉक्टर को दिखाना है, ताकि यूट्रस के मुंह जो सर्विक्स है उस पर अगर कोई घाव है तो वो एकदम से पकड़ा जाएगा और उसकी जांच करनी जरूरी है। जरूरी नहीं है हर घाव कैंसर नहीं होता, परंतु हर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग यानी कि संभोग के बाद की ब्लीडिंग को जरूर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। तीसरी चौथी चीज है, अगर योनि से बैड स्मेल आती है, जब बैड स्मेल आती है तो इन्फेक्शन या पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग या कोई ग्रोथ भी हो सकती है। इसलिए जो चीजें नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है साइक्लिकल ब्लीडिंग होना, बट बैड स्मेल इज नॉट नॉर्मल। किसी की हाइजीन खराब है तो स्मेल बैड हो सकती है, अदरवाइज जिसकी हाइजीन ठीक है, जो क्लेनलीनेस मेंटेन करता है, तो बैड स्मेल का मतलब है कोई इन्फेक्शन होना या कोई ग्रोथ होना या कोई पस आना, डिस्चार्ज होना। तो अमूमन देखा गया है कि कैंसर सर्विक्स की औरतें जो हैं वो 50, 55, 60 साल की होती हैं, निग्लेक्टेड होती हैं, अनजान होती हैं, उनके पीरियड्स बंद हो चुके होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको ब्लीडिंग हो, और सिर्फ वो अस्पताल आती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू आने लग गई है, और जब हम एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि वो एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स है।
तो इन बातों का ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि अब आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछने हो वो जरूर पूछिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या कैंसर तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, और हार्मोनल डिसफंक्शन है तो उसे कैसे ठीक करना है. तो ये क्वेश्चन जो है कि मुझे मेनोपॉजल ब्लीडिंग स्टॉप कैसे करनी है, तो आपको मेनोपॉजल ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए पहली चीज है डॉक्टर के पास जाना है. वो एस्टैब्लिश करेंगे कि आपको क्यों ब्लीडिंग है, और अकॉर्डिंग टू द रीजन अगर एट्रोफी है यानी कि अंदर की वजाइना स्किन बहुत थिन है तो टॉपिकल ईस्ट्रोजन क्रीम से ठीक हो जाएगा. अगर एबनॉर्मल हार्मोनल ब्लीडिंग है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट से, गर्भनिरोधक गोली से ठीक हो जाएगा. अगर कोई ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, या कोई भगवान ना करे कैंसर है, तो फिर उसके लिए डेफिनेटिव सर्जरी की आवश्यकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नॉर्मल टू हैव अ पीरियड फॉर 3 वीक्स ड्यूरिंग मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज? आइडियली वी डू नॉट वॉन्ट सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लीडिंग बिकॉज नॉर्मली वी एक्सपेक्ट दैट द पीरियड शुड नॉट लास्ट longer than 4 to 6 days. So if it goes beyond 1 week, it is a cause of concern. So agar kisi lady ko 3 hafte tak bleeding aa rahi hai, to she should not sit at home, chahe wo perimenopause ho, kyunki aapne ye lecture suna hai ki nahi nahi irregular bleeding ho sakti hai, par itni lambi bleeding ko ignore nahi karna chahiye aur aapko doctor ko zarur milna chahiye. What color is postmenopausal bleeding? So as I said, bleeding, आप ये समझिए कि ब्लीडिंग जब भी फ्रेश होगी तो उसका कलर रेड होगा, बहुत होगी तो ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स भी होंगे. अगर ओल्ड ब्लीडिंग है तो डार्क कलर की होगी, डार्क ब्राउन कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी. तो जब भी हैवी फ्लो है तो रेड मैरून से क्लॉट्स आएंगे, और फ्रेश रेड ब्लड मींस एक्टिव ब्लीडिंग. ओल्ड ब्लीडिंग डार्क ब्लड, और ऑफ कोर्स पोस्ट कोइटल यानी कि इंटरकोर्स के बाद की ब्लीडिंग हमेशा लाइट स्टेनिंग होती है. अगर कैसे पता चलता है, अगर हस्बैंड ने कॉन्डोम यूज किया हुआ है तो कॉन्डोम के ऊपर वो ब्लड स्टेन आ जाता है. Is it normal to go 6 months without a period during perimenopause? Yes, very much so. हो सकता है शुरुआत में start stop हो. पहले हर महीने पीरियड आते थे, फिर दो दो तीन तीन महीने चढ़ के आने लगे, फिर 6 months का गैप हो गया, फिर थोड़े से टाइम आया. हो सकता है जो ब्लीडिंग हो बहुत ज्यादा हो या कम हो. एनी विच वेज आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी डिटेक्ट हो. अपना डॉक्टर स्वयं नहीं बनना चाहिए. सो आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट इरेगुलर पीरियड्स कैन बी अ पार्ट ऑफ अ वुमन्स लाइफ ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड ड्यूरिंग पेरिमेनोपॉज, यानी द टू टाइम्स व्हेन आवर ओवेरियन फंक्शन, वन टाइम इट्स नॉट मेच्योर, अदर टाइम इट इज वेनिंग यानी कि it's on its way out. At both times there will be irregular bleeding, so please do not suffer in silence. Go and visit a gynecologist. Thank you very much. Very good evening. Thank you very much for your invaluable insights that we just heard. This was a recording that we did because ma'am, as I said, is always so busy, and today also she is in a conference and she has spared some time for us to have a live interaction with the audience now. तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे. दीपिका, आई हैव सीन देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी इन द चैट बॉक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड हु आर द पेशेंट्स यू नो फॉर इट, फॉर हुम डू वी रेकमेंड. सो फर्स्टली थिंग इज दिस दैट नॉट एवरी वुमन इज गोइंग टू हैव मेनोपॉजल सिम्टम्स. समटाइम्स मतलब अधिकतर क्या होता है कि मेनोपॉज मतलब इंसिड्यूसली हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months और अ ईयर और 2 years, स्लोली स्लोली वेनिंग, धीरे 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 मेंसेस खत्म हो गए और आपकी बॉडी यूज टू हो गई है टू लेस ईस्ट्रोजन लेवल्स. बट ऑल्सो इंटरेस्टिंगली ओवरी फंक्शन तो कम हो रहा है, बट अगर आपके अंदर बॉडी फैट है तो बिकॉज इवन फैट रिजर्व्स कन्वर्ट ईस्ट्रोजन,
तो आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर संतुलित है तो आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं होंगे। जब हम मेनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? नंबर एक कि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से हॉट फ्लशेस हो सकते हैं, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से नीचे की जो स्किन है वो थिन हो जाती है, एट्रोफिक हो जाती है, इचिंग हो सकती है, मूड डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, और एक बार अगर वुमन को मेनोपॉज हो जाता है तो उसकी रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इक्वल टू मेल्स हो जाती है। तो हार्ट डिजीज की रिस्क, हॉट फ्लशेस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन डीमिनरलाइजेशन, हड्डियों का उसमें से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना, तो जिसकी वजह से मेनोपॉज सिम्टम्स मेनली ये ग्रुप है जिसमें की हॉट फ्लशेस है, जिसमें की रिस्क ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है और जिसमें की ऑस्टियोपोरोसिस है। तो जिन भी लेडीज जो पतली पेटीट वेमेन होती हैं जिनमें फैट कंटेंट कम है उनमें ऑस्टियोपोरोटिक रिस्क ज्यादा है, और अगर उनको मेनोपॉजल सिम्टम्स भी हैं तो उनको यानी कि हॉट फ्लशेस भी हैं तो उनके अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता पड़ सकती है। बट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट ऐसे एकदम से नहीं किया जा सकता कि आप गए और सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे आपने ईस्ट्रोजन ले लिया। आपको अगर सिम्टम है जैसा कि मैंने बताया हॉट फ्लशेस हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क है यानी कि आपकी बोन डेंसिटी अच्छी नहीं है, बोन डेंसिटोमेट्री कराई डेंसिटी अच्छी नहीं है, आप पतले हैं पेटीट हैं, आप में बॉडी फैट नहीं है, तो आप में ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, नीचे के रीजन में वल्वल इचिंग है, तो ऐसे पेशेंट्स को पहले अपने आप को इवैल्यूएट कराना है। और अगर इवैल्यूएशन के बाद लगता है कि ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है तो आफ्टर कंप्लीट असेसमेंट व्हिच मींस एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, पेल्विक अल्ट्रासाउंड जिसमें यूट्रस ओवरी सब कुछ देखी जाएगी, प्लस इवन हार्मोनल असेसमेंट किया जाएगा, FSH हाई है कि नहीं, AMH लो है कि नहीं, यानी फेलिंग ओवेरियन फंक्शन है एंड विद सिम्टम्स, तो फिर ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सोची जा सकती है बट अंडर सुपरविजन। तो दूसरी चीज ये है कि जिन भी पेशेंट्स को फॉर सम रीजन हिस्टेरेक्टमी जल्दी करा दी जाती है या ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं अर्ली एज में, तो सर्जिकल मेनोपॉज जिनको हो जाता है उन लोगों को ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और अगर लेडी की यूट्रस अभी बाहर नहीं निकली है तो उसको फिर रेगुलर फॉलोअप पे रहना है। तो ये है अबाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दोज पेशेंट्स हु आर एट हाई रिस्क ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स और हु आर हैविंग मेनोपॉजल सिम्टम्स हैव टू गो इन फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट। दूसरा क्वेश्चन था कि वर्क प्लेस में हॉट फ्लशेस कैसे ठीक हो। तो हॉट फ्लशेस अगर आपको आ रहे हैं तो पहली चीज है कि आपकी एज क्या है, आपका मेंस्ट्रुअल पैटर्न क्या है और आपके हॉट फ्लशेस कैसे हैं। दूसरा आपका कार्डियक स्टेटस भी चेक होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपको जो पैल्पिटेशन है जिसे आप हॉट फ्लश समझ रहे हैं वो कोई हार्ट प्रॉब्लम भी हो और उसमें आपको कोई थायराइड प्रॉब्लम भी हो। तो सारे असेसमेंट के बाद हॉट फ्लशेस जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती है, क्योंकि सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट आपकी नींद खुल जाती है, आपको बहुत जोर से पसीना आता है, घबराहट होने लगती है, एंड जिन लोगों को हॉट फ्लशेस होते हैं वो रियली बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं। ऐसे में ये देखा गया है कि ईस्ट्रोजन्स जो हैं या फाइटोईस्ट्रोजन्स जो ईस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें आफ्टर गिविंग काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड सम यू नो मल्टीविटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बी कॉम्प्लेक्स, सारे यू नो सप्लीमेंट्स देने के बाद भी एंड सेडेटिव्स देने के बाद भी अगर पेशेंट को बहुत हॉट फ्लशेस हैं तो ईस्ट्रोजन्स देने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें कि प्रीफर्ड ईस्ट्रोजन है प्रीमरिन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईस्ट्रोजन नहीं है बट दैट इज वेरी गुड फॉर कंट्रोलिंग द हॉट फ्लशेस। तो इसलिए अगर आपको वर्क प्लेस में हॉट फ्लशेस हैं तो डेफिनेटली आपको अपना हाइड्रेशन, आपको डाइट, आपको अपना क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल, थोड़ा एक्सरसाइज, फिटनेस, ये सब के साथ साथ आपको ईस्ट्रोजन भी रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, विच हैज टू ऑलवेज बी अंडर सुपरविजन। मतलब ये इट्स नॉट अ पिल दैट यू कैन पॉप इन योर माउथ, बिकॉज अगर आपको ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट दिया गया है इट हैज टू बी सुपरवाइज, स्पेशली अगर आपका यूट्रस बाहर नहीं निकला है। और कभी जब भी
हॉट फ्लशेस इवन बिफोर फुल मेनोपॉज अपियर होने लगते हैं, तो उस समय आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सुपरवाइज होना चाहिए। एक क्वेश्चन और था जिसमें कि भाविका ने बताया था कि कोई नोन है जिनको कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं एट गैप ऑफ 5 days, 15 दिन इकट्ठे होते हैं, सब ब्लड टेस्ट किया, सब चीज नॉर्मल है। इसमें मेनली जो कंसर्न पेशेंट है, इम्पोर्टेंट चीज है कि उसकी एज क्या है, क्या वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है या पेरिमेनोपॉजल में है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर किसी को इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो हमारा सबसे पहला डिफरेंशियल प्रेगनेंसी, डिस्टर्ब प्रेगनेंसी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट मिस्ड पीरियड्स थी और उसने अबॉर्शन की पिल्स ले ली और उसके बाद उसको इरेगुलर ब्लीडिंग हुई। अदरवाइज इरेगुलर ब्लीडिंग जहाँ सब कुछ नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट एंड इरेगुलर है, तो मेन रीजन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी हार्मोनल डिसफंक्शन ही माना जाता है। और उसमें बेस्ट मेडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी कि गर्भनिरोधक गोली या मिरीना। एंड ऑफ कोर्स एज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेशेंट। एक क्वेश्चन है, आई हैव बीन गेटिंग 2 पीरियड्स अ मंथ लाइक इन अ डिफरेंस ऑफ अ वीक, is this normal, is this because of menopause? So now this is depending upon your age. Menopause tab hogi agar aapne 40 45 cross kar liya hai to hum isko perimenopause samjhenge. Menopause matlab pause ho gaya for a year, agar period nahi aaya tabhi menopause mante, otherwise transitional period ya perimenopause mein ye sab ho sakta hai. Is it normal to have a period every 2 weeks during menopause? No, you are not supposed to have every 2 weeks. In fact, waning, yani ki decreasing ovarian function ke saath, the duration of absence of period increases. Yani jaldi jaldi na aa karke, der der mein aate hain, mahine ki bajaye, 1.5 mahina, 2 mahina, 3 mahine ki interval pe aate hain aur kam hote jaate hain. Aur aapki age kya hai, ye bahut important hai to establish ki aap menopausal ho ki nahi ho. What if the smell comes and goes on its own? Is it a matter of concern? So, aisa hai ki smell, maine jaisa ki bola, smell will only come because of bad hygiene or if you are not changing the pad frequently, the underwear frequently. Because aapko realize karna hai, it's not just the blood which makes bad smell, but also urine. तो क्योंकि अंडरगार्मेंट्स में यूरिन के ड्रॉप्स रह सकते हैं, उसमें यूरिया होता है, वो डीकम्पोज हो जाता है और उसकी भी बैड स्मेल होती है। अगर डिस्चार्ज है और उसमें वेजाइनल इन्फेक्शन है तो भी बैड स्मेल होगी। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको हाइजीन रखनी है, यानी कि पैंटी लाइनर्स यूज करने, फ्रीक्वेंट चेंज करनी है, आपको वॉश करके और ड्राई करके रखना है वो एरिया, ताकि मॉइस्चर की वजह से बदबू ना आए, और इन्फेक्शन है तो उसको चेक करा करके ही कर सकते हैं। हाँ, अबाउट आइसोफ्लेविंस, कैन आइसोफ्लेव हेल्प इन कम्बैटिंग मेनोपॉजल सिम्टम्स? यस, इट इज स्लिप माय माइंड। एक तो ईस्ट्रोजन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्लेसमेंट है, बिकॉज ईस्ट्रोजन इज अ स्टीरॉयड एंड इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। सो प्लांट सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन्स, फाइटो ईस्ट्रोजन्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन फाइटिंग द मेनोपॉजल सिम्टम्स। एंड जो फाइटो ईस्ट्रोजन्स हैं वो लेग्यूम्स में, जो हरी फलियां हैं, बीज वाली फलियां, उनमें होता है। तो हमको जो डाइट है जिसमें फाइबर होना चाहिए, लेग्यूम्स होने चाहिए, एंड ऑफकोर्स सप्लीमेंट्स जिसमें कि फाइटो ईस्ट्रोजन्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल यू नो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको मेनोपॉजल और फ्लशेस वगैरह में आराम मिलता है। 25 वीक है, नो, अच्छा, इट हैज बीन द प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टार्टिंग, हार्मोन्स आर नॉर्मल इन ब्लड टेस्ट। अगर पेशेंट की उम्र 25 साल है और उसको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो, और उसने हार्मोन टेस्ट भी सब नॉर्मल है, तो आपको अपना कोगुलेशन प्रोफाइल भी कराना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को अनीमिया है या उसको कुछ कोगुलेशन प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जिसमें खून नहीं जमता, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इज ए वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ डिजीज। तो सारी की सारी वजाइनल ब्लीडिंग इरेगुलर रिलेटेड टू जेनिटल ऑर्गन्स नहीं होती, सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स भी होती है। कभी कभी रेयरली किसी लेडी को ब्लड कैंसर होता है या उसको पर्परा होता है, और फिर
सारा ट्रीटमेंट करने के बाद जब ब्लड प्रोफाइल की जाती है या पेरिफेरल स्मियर कराई जाती है तब एबनॉर्मल सेल्स डिटेक्ट होते हैं. तो वजाइनल ब्लीडिंग इन अ वुमन कैन मेनली बी बिकॉज ऑफ जेनिटल ऑर्गन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम. या कोई जना ब्लड थिनर्स पे है. सो देर आर अदर रीजन ऑल्सो. आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच मैम. Just before we let you exit, ma'am, there is a poll that we have. And in that poll, you'll have to take out three lucky winners. So if you permit, ma'am, we'll have a 5 minute more of your time. Yeah. Okay. So can we have the first poll, please? Yeah. So attendees, you can see the poll question on your screen. What can be the cause of irregular periods? So, आप इसके अंदर अपना जवाब दें. इरेगुलर पीरियड्स क्यों हो सकते हैं? हॉर्मोन चेंजेस से हो सकते हैं, स्ट्रेस से हो सकते हैं, पीसीओएस से हो सकते हैं, हेवी एक्सरसाइज से हो सकते हैं, या ऑल ऑफ अबव. तो आपको इसका जो भी आंसर सही लगे उसको प्रेस करना है. इसके अलावा वी हैव वन मोर क्वेश्चन. हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मीनोपॉज इज नॉर्मल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल अटेंशन. आपने इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है कि हैवी ब्लीडिंग अगर मेनोपॉज में हो रही है तो क्या वो नॉर्मल है? क्या उसके लिए कोई डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है? हाँ के लिए आप लिखेंगे ट्रू एंड नहीं के लिए लिखेंगे फॉल्स. वी हैव 16 आंसर्स. 16 पीपल हैव ऑलरेडी 17 हैव पार्टिसिपेटेड इन द पोल. इसमें से आपने रैंडम थ्री विनर्स का अनाउंसमेंट करना होगा. एनी थ्री नंबर्स 6, 9, 12. सो द लकी विनर्स आर डॉक्टर बलजीत कौर, विधु सक्सेना एंड इक्षिता नागर. सो कंग्रेचुलेशंस. व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स? हार्मोन चेंजेस, स्ट्रेस, पीसीओएस, हैवी एक्सरसाइजेस या ऑल ऑफ अबव. सो मोस्टली एवरीबॉडी इज सेइंग ऑल ऑफ अबव. Correct answer is all of the above. Right. But it is an interesting poll. So, ये तो खैर सबका ठीक होगा. Because यही तो पूरी कहानी का है कि heavy bleeding is not normal during menopause. So the answer is. Ma'am, three people have said true. तो इसका मतलब उन्हें दोबारा सब पूछ सुनना पड़ेगा. तो हमारी recording available होती है. Website mysakhi.in पर जाएं. Events section में जाएंगे. तो आपको वहां पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर मित्रा सक्सेना मैम फॉर योर इनवैल्यूएबल इनसाइट्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. प्लेजर इज माइन. थैंक यू. ऑल्सो आई लाइक टू जस्ट टेक अप आवर mysakhi.in वेबसाइट इन विच वी हैव वी आर कवरिंग दिस वेबसाइट विच इज अ CSR इनिशिएटिव ऑफ जैक्सन पाल वेयर वी प्रमोट women's health and hygiene. Ongoing CSR activities. Previously, we have already built sanitation facilities at girls' schools in Punjab, Haryana, and Uttarakhand, as well as raising awareness about menstrual hygiene. So our MySakhi website is going to focus on providing educational content. This website is providing scientific content. ये जो कि आप इधर देख रहे हैं, जी लगा हुआ है Google. ट्रांसलेटर है इसके अंदर जिसमें वी हैव ट्रांसलेशन ऑफ दिस साइंटिफिक कंटेंट इन 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश. सो एवरीबॉडी कैन बेनिफिट एंड रीड अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू. वी एनकरेज कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एक्सपर्ट एडवाइस. लाइक टूडे ऑल्सो वी हैव गॉट सो मच ऑफ एडवाइस from the doctor present with us, to Dr. Mitra Saxena. Thank you so very much, ma'am, for answering all our questions and answers. And congratulations again to the winners. Next webinar you will see is not on a Friday, please note. And there is a gap. It will be now in July, 3rd of July, Wednesday. And very important topic, which is why do we need hormone replacement therapy? So, बहुत लोगों का ये concern रहता है, क्या हमें hormone replacement therapy की आवश्यकता है और क्यों है, क्यों देना पड़ रहा है? So, इसके अंदर menopause dialogues का हमारे series चल रही है. Dr. Ragini Agarwal गुड़गांव से lead कर रही हैं. इसमें इस time में चेन्नई तमिलनाडु से Dr. Professor Hepzibah होंगी, जो कि
आपको इसके बारे में बताएंगी. तो हमारे जो वेबिनार्स है उनको जरूर ज्वाइन करिए. सो थैंक यू ऑल वेरी मच.